अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आज है आपके लिए ऐसे करेले लेकर आई हैं जो मुझे उम्मीद है कि आपने इससे पहले नहीं बनाए होंगे। तो करेले तो सब खाते हैं, लेकिन बनाने वाली बात है कि ऐसे नहीं बनाए होंगे। चलें कहते जो है ना, ये देखिए हमारे पास प्याज है, ये मैं चॉप कर लूँगी। इमली है 1 कप जिसे मैंने भिगो दिया, इसका पल्प निकालना है। देखें, ये हमने प्याज का पल्प निकाल लिया है, मतलब प्याज को चॉप कर लिया है और इसमें इमली का पल्प डाल लिया है। आपको पता है इमली का पल्प कैसे निकलता है। ये है मसाला मेरे पास, जो मैंने लाल मिर्चे और धनिया साबुत इनको बारीक बारीक तवे पे भून के पीस लिया है, और ये गया इसके अंदर नमक प्याज में। इस प्याज के अंदर हम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये हो गया हमारा मसाला तैयार। ये हमने करेले बगैर छीरे हुए, ये देखिए आप, बगैर छीरे में हमने इसको कट कर लिया है और इसका अंदर का सारा गूदा निकाल दिया है। अब ये मसाला जो हमने बनाया था, ये इन करेलों में जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इनको थ्रेड से बांध लें धागे से, और अगर आप ना चाहें तो इनको ना बांधें, क्योंकि जो है ना बांधने से हमारा मसाला अक्सर निकल जाता है। अब ये हमारे करेले गए तवे के ऊपर, थोड़े से तेल में हमने इनको ब्राउन कर दिया है। ये देखिए, ये हमारे भुन रहे हैं करेले, इनको हम पलट देंगे। बाकी जो हमारे पास मसाला रह गया था, वो हमने करेले को पसट डाल दिया है। इनको बहुत अच्छे से सेक लेंगे हम। ये देखें इनकी सिक्के क्या शक्ल आ गई है। अब ये गए स्टीम के ऊपर, ताकि इनमें जो कसर है वो पूरी हो जाए और ये अच्छे से गल जाए।